कैसा गया आपका एग्जाम बताइएगा सर? हमारे साथ तो सही गया है। सही गया है। कितना क्वेश्चन सॉल्व किया है? 50 50 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। सही किए हैं एकदम, 50 क्वेश्चन सही है। चलिए अपन सब सही किए हैं। सही किए हैं। उसके बाद आपसे क्वेश्चन का लेवल आपको कैसा लगा? लेवल तो हार्ड था। लेवल हार्ड था। अच्छा, मतलब TCS के द्वारा थोड़ा सा पैटर्न फिर से खेला हो रहा है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन एग्जाम हाँ। कैसे गया एग्जाम? अब एग्जाम थोड़ा अच्छा गया। जी कौन सा बोर्ड का आपका? जौनपुर से। इलाहाबाद। इलाहाबाद जी। कितना अटेम्प्ट किया? सर 60। अच्छा, ओवरऑल आपको पेपर कैसा लगा? इजी लगा या मॉडरेट लगा? सर मॉडरेट है, ना ज़्यादा कठिन था ना ज़्यादा। 60 अटेम्प्ट किए हैं, कितना क्वेश्चन सही हो जाएगा? सर लगभग 50 सही हो जाएगा मैक्सिमम। जी सर। आपको इजी और हार्ड में क्या लगा? सबसे ज़्यादा कठिन हमको रीजनिंग लगा सर। समझ नहीं था मेरे पास, लेकिन फर्क जो क्वेश्चन था वो लेंदी था, वो पढ़ने में सर समझ चल जा रहा था उसको, इसलिए सर क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ जा रहा था उसको। जी। और सबसे आपको आसान क्या लगा? आसान सर वही जीके है, GF जो पढ़ा था सर वो फंसा था पूरा। और दूसरा बता दें कि आप लोग जो है सुबह में हम आपको बताएं कि एग्जाम्पलर का बुक से आ रहा है, काफ़ी परेशान है, तो एग्जाम्पलर बुक का सॉल्यूशन जो है हम आपको जो है आज से ही देने लगे हैं। तो मिलते हैं हम लोग चैनल पर, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ग्रुप डी का हम लोग थर्ड फेज के एनालिसिस में मिलेंगे। और आज रात में हम लोग जो है एक फॉर्मूला वाला जो है साइंस का पूरा फॉर्मूला जितना है आपका 10 से 20 के करीब 25 के करीब फॉर्मूला होगा, उसको पूरा फॉर्मूला का रिवाइज आपका करवा देंगे। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।